भी तो रोजा होता है ना, इसी बहाने टाइम भी पास हो जाता है। हाँ जी, और कटिंग भी कर देता हूँ मैं साथ। चले जी, मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। जो हमारी रेसिपी है कद्दू और गोश्त की है जी, इस डोंगे में जी हम सालन डाल देते हैं। तो पानी जी खुश्क हो चुका है, अब लगाते हैं जी चावलों को दाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यह दोपहर हो चुकी है जी, तकरीबन ढाई दो हुए हैं जी, अभी 2:08 हुए हैं। तो आज जुमा है जी, आप सबको हम सब की तरफ से जुमा मुबारक। तो आप जी मेरे हाथ में देख रहे होंगे कद्दू शरीफ, तो आज हम बनाएंगे जी कद्दू शरीफ। इसमें जी डालेंगे गोश्त भी लाजमी, जैसा कि आपको पता है कि गोश्त लाजमी जी डाला जाता है हमारे घर में। तो बाकी जी गोश्त वाश कर रही है, वो यहाँ पे चीजें रखते हैं सारी, गोश्त वगैरह और प्याज लहसुन वगैरह, तो उनकी कटिंग करते हैं और फिर जी बाकी की भी शेयर करते हैं, मौसम में देखते हैं। और इधर देखिए जी, बाजी जो है वो गोश्त साफ कर रही है जी, वाश कर लिया जी, और ये थोड़ा सा रह गया है, और ये है जी बड़ा गोश्त, कट्टे का गोश्त। हाँ जी, फिर अक्सर जी नीचे कमेंट्स आ देने के बड़ा गोश्त किसे कहते हैं जी आप। ये जी बीफ, तो इसको जी वाश कर लेती हैं बाजी, और उसके बाद जी फिर हम कटिंग करेंगे। और मौसम शेयर करते हैं जी आपके साथ, बहुत ही जी कड़ाकेदार धूप निकली हुई है, सूरज देखें जी ये आसमान पे है जी, और हल्के हल्के कहीं कहीं जी बादल भी हैं साथ, क्या पता जी अभी बादल बन जाए। तो ये देखिए जी, कंबल धोने हमने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, तो जिन्होंने कंबल नहीं लेना जी वो हम वाश करके जी रख रहे हैं अपनी पेटियों में। और देखें जी साइड पे भी मौसम बहुत खूबसूरत, और ये छाँव भी है जी गर्मियों वाली, बहुत अच्छी ये सात दरख्त देखें जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी अब इनकी छाँव बन रही है। तो हर तरफ जी अभी सन्नाटा है, और यहाँ पर जी एक आध बच्चे खेल रहे हैं हमारे हमसायों के, चलते हैं जी फिर अंदर भी और बाकी कटिंग वगैरह करते हैं। और ये देखें जी, इधर हस्बैंड साहब वो कद्दू शरीफ की जी कटिंग कर रहे हैं, और बाजी जो है वो लहसुन जो है वो उसकी छिलके उतार रही है। और इस तरह जी हम इनकी कटिंग रखेंगे आज कद्दू शरीफ की। यहाँ पे जी मैंने अपने कद्दू और गोश्त की रेसिपी का जी सारा सामान पास रख लिया है, तो जल्दी जल्दी जब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाएंगे जी अपनी कच्ची हंडिया में, अपनी हंडिया बनाएंगे बिल्कुल जी आसान तरीके के साथ जी हम कद्दू गोश्त बनाएंगे। तो इसमें डालते हैं जी सबसे पहले पानी, पानी डालेंगे जी ये 1.5-2 कप है हमारा, ये डाल देंगे।
फ्लेम को जी मैंने पहले से ऑन कर लिया क्योंकि हंडिया वो गर्म होते हुए जो थोड़ा टाइम लगता है, तो अब इसमें डालते हैं जी पानी भी इसमें डालते हैं। तो अभी बस 1.5 कप जी मैंने पानी डाल दिया है, तो अब इसमें डालने के लिए अपना बीफ, ये है जी हमारा केक। तो अब इसमें डालेंगे जी अपने कद्दू शरीफ, कद्दू शरीफ है जी हमारे 1 किलो, इसमें और इसमें डालेंगे जी प्याज, प्याज है जी हमारे 2 अदद। ये है जी हमारे टमाटर, टमाटर है जी हमारे 1/2 किलो, अब इसको डालेंगे इसमें, और अब डालेंगे जी इसमें लहसुन, लहसुन है जी हमारा 1 बड़ा जवा, साबर डालेंगे जी। तो ये है जी हमारा अदरक, और ये भी डालेंगे जी इस तरह कटिंग हुआ हुआ, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर जी हम ये अदरक डालेंगे। अब ये है जी हमारे सब्ज मिर्च, तकरीबन 1/2 अदद है जी अभी डाल दिया, और इनको जी हमने दरमियान से इस तरह कट लगा लिया, और अब इसमें जी डालते हैं मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे जी हम इसमें नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे जी साबुत कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे जी ये पिसी हुई सुर्ख मिर्च, और 1/2 चम्मच डालेंगे जी हल्दी, 1 चम्मच डालेंगे जी पिसा हुआ सूखा धनिया। इनको करते हैं जी मिक्स, तो भी बस यहाँ पे जी हमारा गोश्त और कद्दू गलता रहेगा, साथ साथ ही हम चम्मच चला कर चेक करते रहेंगे कहीं नीचे ना आ जाए। तो साथ ही हम बनाने वाले हैं मटर वाले चावल, बाजी राव जी मटर भी खा रहे हैं, हस्बैंड साहब भी साथ जी हेल्प कर रहे हैं, तो साथ जी चावलों की कर लेते हैं तैयार। और ये जी बाजी निकाल रही है मटर चावलों के लिए, ये निकाल लेती हैं तो फिर जी चावल बनाते हैं, और हस्बैंड साहब जी इधर धनिया जो है वो कटिंग करेंगे, अभी इसको बना के हंडिया के लिए रखेंगे जी। हस्बैंड साहब बहुत अच्छी कटिंग करते हैं जी, हेल्प कर देते हैं जी, माशाल्लाह जी। मेरा भी तो रोजा होता है ना, इसी बहाने टाइम भी पास हो जाता है। हाँ जी, और कटिंग भी कर देता हूं मैं साथ। चले जी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। और इधर जी बाजी चावल साफ कर रही है, और चावल साफ होते हैं तो फिर जी हम चावल स्टार्ट करेंगे, उस वक्त तक मटर भी निकल आएंगे। आज हम मीठे में बनाएंगे जी वो जूस स्ट्रॉबेरी का, तो ये दूध जी मैं साथ बॉयल कर रही हूँ। हाँ जी बाजी जी चावल साफ हो कर लिए जी, बाजी ने चावल हो रहा तो वॉश करेंगे। मैं चेक करता हूँ कि हंडी कैसी बना रहे हैं, हैं? चेक कर क्या कंडीशन है हंडिया की, दिखाई हमें। खोल तब भी नहीं गला सही, अभी इसको होने दें, ठीक है ना? चलो सही। हाँ जी, ये देखें जी व्यूअर्स, हमने ये कपड़ा लगा के दम दे रहे हैं इसको जी, ये धुआं ना निकले पाए। हाँ जी, फिर सही करें, ठीक है जी। तो भी बस आप जी बना लेते हैं मटर पुलाव, आज साथ बनेंगे जी मटर पुलाव। तो हंडिया जी हमारी जो है वो अभी आधे प्रोसेस पे है, काफ़ी हद तक जी हमारे कद्दू और गोश्त जो है वो कर चुका है, तो जिसमें डालेंगे जी साबुत मसाले, और ये है जी हमारा ज़ीरा, तेज़पात, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, बादियान के फूल, मोटी इलायची, और ये है जी लौंग, तो इनको जी मिक्स करके डाल देते हैं ताकि हंडिया में अच्छी सी खुशबू हो जाए। आ जाओ दोबारा से जी इसके ऊपर दे देते हैं हल्का, स्टार्ट करते हैं जी चावल बनाना। 1 चम्मच जी डाल देते हैं इसमें घी, और ये है जी हमारा 1 अदद प्याज, तो घी गर्म हो चुका है जी, जल्दी जी डालते हैं इसमें डाल देते हैं।
प्याज ही मैं हल्का से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच के बराबर डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अब डालते हैं इसमें टमाटर, टमाटर है जी हमारे चार रुपये, तो हमने भी चावल बनाए हैं जो हमारे सायर जो है उनके घर से भी चावल आ गए हैं। ख़त्म जी आज का दिलवाया जाएगा, हम भी दिलवाएंगे जी इंशाल्लाह। तो अब जब लास्ट वाले रोजे रह जाते हैं तो हमारे गांव में रवाज है कि हर घर जो है वो अफ्तारी करवाता है और कुछ ना कुछ चीज़ बांटते हैं, तो इन शाला जी हम भी प्रोग्राम बना रहे हैं चावल बनाएंगे जी। तो बस मसाला जी टमाटर जी हमारे डाल चुके हैं, अब इसमें डालते हैं जी अपने मसाला जाओ, एक चम्मच नमक, एक मिर्च मोटी कुटी सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच पीसा हुआ सूखा धनिया। अब इसे करते हैं जी मिक्स, थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला ना जी लग जाए। तो अब डालेंगे जी मटर, मटर है जी हमारे एक किलो इसमें, और इनको जी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करेंगे जी अच्छी तरह फ्राई ताकि मटर जी हमारे गल जाए। साथ ही जी डाल देते हैं इसमें चारों तरफ सब मिर्च, तभी बस एक चम्मच डालेंगे जी काली मिर्च पीसी हुई, बहुत ही टेस्ट आएगा जी चावलों में। तो भी बस आप डालेंगे जी इसमें एक अदर लेमन का जूस, ये जी हमने लेमन से निकाला है। तो बस अच्छी तरह जी मैंने मटर फ्राई कर लिया है, तो अब इसमें डालते हैं जी पानी, पानी है जी हमारा 2 किलो, क्योंकि चावल है जी हमारे 1 किलो। और अब इसके लिए बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं और फिर डालेंगे चावल। तो अभी बस पानी जी उबाल आ चुका है पानी को, तो अब इसमें डालते हैं जी साबुत मसाले, तेज़पात, मोटी इलायची, गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च सारा जी मिक्स है ये डाल देते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी इसमें चावल, चावल है जी 1 किलो। तो मुझे जी थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है कि आपने कहना है कि हम रोज़ जो है वो मटर वाले चावल बना देते हैं, तो मैं हंसपा से आप जी बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि मटर वाले चावल ही बनाएं। मैंने उनको जी आज भी बोला था, लेकिन वो कल से ही जी 2 किलो मटर ले आए थे, तो मुझे मैंने जी 1 किलो की फिर आज बना दिया। उन्होंने कहना है जी कल भी दोबारा से जी मटर वाले चावल बनाएं, तो चलो जी जल्दी जल्दी डालते हैं चावल। पानी जी खुश्क हो चुका है, अब लगाते हैं जी चावलों को दम, नीचे रख देते हैं जी तवा, सब नीचे डाल देते हैं जी 3-4 तक। तो मैं दम रख चुका है जी, तकरीबन 15 मिनट तक दम लगेगा, और साथ साथ जी हमारे जो कद्दू और ये जो गोश्त है जी वो साथ साथ जी पानी अभी थोड़ा सा रह गया है, फिर इसको करते हैं जी अच्छी तरह फ्राई, फिर हमारी हंडी जी तैयार हो गई। ये देखिए बस हमारी जी हंडिया जो है वो तैयार है, और कद्दू भी गल चुके हैं जी और गोश्त भी जी गल चुका है, तो इसको जी डालते हैं दूसरे बर्तन में और करते हैं जी फ्राई। इसमें डालते हैं जी घी बर्तन में। तो मैं ये देखे जी हंडिया में अभी तक हमारा जो सालन है वो गर्म है, तो अब इसको जी इस बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं और इसको करते हैं अच्छी तरह फ्राई। छोटा चम्मच जीरा डालते हैं, हमारा गल चुका है। इस बर्तन में जी हमने गोश्त और कद्दू डाल लिए और देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है, कद्दू भी डाल चुके हैं और हमारा गोश्त भी डाल चुका है, तो इसमें मैंने घी डाल लिया है। अब तकरीबन जी इसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर जी बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो अभी बस कद्दू और गोश्त जो है वो हमारे पक चुके हैं जी, घी भी ऊपर आ चुका है, हमारी हंडिया जी बिल्कुल तैयार है, और फ्लेम को जी हम बंद कर देते हैं। इसमें डालते हैं जी ये धनिया, एक चम्मच डाल लेते हैं जी पिसा हुआ गर्म मसाला, और अब डालते हैं जी इसमें सब्ज़ धनिया। तो
तो वह चूल्हा जी मैंने इस साइड पे कर लिया है ताकि जी यहाँ पे हम अब वो चटाई लगाएंगे चीज़ें जी रखेंगे ऊपर, तो हंडिया भी तैयार है जी, चावल पक चुके हैं। और अब बाजी क्या रह गया? स्ट्रॉबेरी वाला जूस। हाँ जी, अब जी स्ट्रॉबेरी वाला जूस बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जी रोज़ा लग रहा है, खासतौर पर भी प्यास लग रही है। तो भी बस यहाँ पे जी हस्बैंड साहब ने स्ट्रॉबेरी और जी ये बनाना की कटिंग कर दी है, ये अब खरबूजा की कटिंग कर रहे हैं, तो हम बनाने लगे हैं जिसका शेक। और ये है जी हमारी आधा किलो स्ट्रॉबेरी, इसको डालेंगे जी सबसे पहले। और ये है जी हमारे तीन अदद बनाना। और ये जी हमारा डेढ़ किलो दूध है, इस सारे दूध की जी हम बनाएंगे शेक, आधा आधा करके जी डालेंगे। और थोड़ी सी डालेंगे जी चीनी, दो चम्मच बस। और ये जी जूस हमारा बन गया है, तो अब इसे जी हम बाकी दूध में डाल के मिक्स कर लेंगे। तो भी बस यहाँ पे जी बिछाते हैं चटाई और लगाते हैं दस्तरखान। तो भी बस अभी जी जूस हमारा बन गया, तो यहाँ पे जी बिछाने लगे हैं हस्बैंड साहब चटाई, आज ये बिछाते हैं जी दस्तरखान लगाते हैं। मुझे जी आज रोज़ा बहुत साफ लग रहा है। तो ये जी दस्तरखान भी लगा दिया, चटाई भी बिछा दी है, ऊपर रखे चीज़ें। हाँ जी, लाए ना प्लेटें शेटें रखे, सब सामान रखे। ये जी अपना जो हमारी रेसिपी है कद्दू और गोश्त की है जी, इस डोंगे में जी हम सालन डाल देते हैं। तो अभी बस सबसे पहले जी दस्तरखान पर रखते हैं कद्दू गोश्त। तो ये जी बाजी ले आई है जी बर्फ़ हमसायों के घर से, बहुत गर्मी है। हमारा फ्रीज़र है जी, हमारा तो फ्रीज़र है जी, वो बर्फ़ जमाता नहीं है। तो रखे बाजी इधर और डालते हैं जी अपने जूस मिल्क शेक में। मेहरबानी उन्होंने हमसायों ने जी हम बर्फ़ दी, उनका बहुत शुक्रिया, गर्मी बहुत है जी। डाल देते हैं इसी तरह और अपना मिल्क शेक ठंडा कर लेते हैं जी। ये बनाएंगे जी हम रायता, और ये जी हमारी फ्रेश जो है वो चटनी है, आज ही बाजी ने बनाई है जी। इसमें सब्ज मिर्चे लहसुन और डाला हुआ है जी। और जल्दी जल्दी डालते हैं जी अपना ये मिल्क शेक, जाग में टाइम थोड़ा रह गया, बाजी जल्दी करें जी, ठंडा भी हो गया है, जल्दी करें। चलो जी इसमें थोड़ा है और इसमें ज़्यादा, आधा इधर कर लो, बर्फ़ डाल दे थोड़ी सी। और ये देखिए जी अब डालने लगे जी चावल, गर्मा गर्म है तो माशाल्लाह खिले खिले बने हैं माशाल्लाह जी, मटर वाला पुलाव। और ये देखिए जी माशाल्लाह चावल देखिए जी हमारे खिले खिले बने हैं, ज़बरदस्त बड़े हैं बाजी, बाद में गर्मा गर्म डालेंगे ठीक है। चलो तो भी मैं दस्तरखान जी हमारा सज गया माशाल्लाह, सारी चीज़ें जो हमें रख ली हैं। और देखिए जी बाहर मगरब हो चुकी है, सूरज डूब चुका है, बस ये रोज़ा खुला है तकरीबन 5 मिनट बाकी है, बाकी आज बहुत गर्मी है जी, आज रोज़ा प्यास लगी है।
और ये है जी हमारे कद्दू गोश्त का सालन। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਗਲੂ ਉਹ ਪਾਏ ਗੋਗਲੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜੀ ਬਣਾਏ ਗਰਮੀਆਂ ਕੀ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੀ ਬਾਜੀ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਗੋਗਲੂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਬ ਗੋਗਲੂ ਪਕਾਏ ਦੇ ਗੋਗਲੂ ਸਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਬਸ ਇਫਤਾਰੀ ਜੀ ਹਮੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਇਫਤਾਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਥਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਜੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਆਪਕੋ ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਲਗਾ ਵਾਹ ਬਾਜੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਪੇ ਹੀ ਥੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਤੋ ਜਬ ਗਾੜੀਓ ਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲੋ ਪੇ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਥੀ ਜੀ ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੋ ਵੀ ਬਾਜੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਆਜ ਕੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਕੱਦੂ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੋਲੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਸੇ ਸ਼ਲਜਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਔਰ ਸਾਥ ਹਮੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚਾਵਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਇਸ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਮਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਜੀ ਆਪਕੇ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਹਮ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮ ਚਾਵਲ ਹੀ ਖਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮਸਾਹ ਜੀ ਕੋ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਲੈਤੇ ਹੈ तो जो हम खाते हैं जी वही आपके साथ शेयर करा देते हैं तो माजरत है जी हमने तो जो खाना खाना होता है वही आपके साथ ही हम शेयर कर सकते हैं हमारे जितने भी बहन भाई जी हमारी वीडियो को वॉच करते हैं जो नहीं भी करते जिस आपके इज्जत में अल्लाह पाक की इजाफा फरमाए सब कुछ तो आमीन आमीन हां तो ठीक है इजाजत ले तो ठीक है व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय खुदा हाफिज़